हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा अग्रवाल और आज के अपने इस वीडियो में मैं इस तरह के लटकन बनाने बताने जा रही हूँ। आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले हम इस तरह कुशन तैयार करेंगे। ये कुशन रेडी करने के लिए जितना बड़ा आप कुशन बनाना चाहते हैं उतना बड़ा कपड़ा काट लीजिए। इसकी तीन तरफ सिलाई करनी है और यहाँ पर थोड़ा सा खुला छोड़ देना है। फिर इसे पलट के इसमें इस तरह की जो कॉटन आती है वो भर के हमें एक कुशन रेडी करना है। इस तरीके से मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस तरह का कुशन बनाना बताया है। अब हम साइड में ये जो डिजाइन हम होती की ये बनाएंगे। यह डिजाइन बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में तीन मोती लेने पड़ते हैं। जैसे तीन मोती लेंगे स्टार्टिंग में, एक और थोड़ी दूरी पे सुई को निकालेंगे। अभी जो तीसरे नंबर का मोती है इसमें से सुई को वापस ऊपर की तरफ निकालेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें दो मोती लेने हैं। बाद स्टार्टिंग में हमें तीन मोती लेने हैं और बाद में हमें दो दो मोती लेने हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे सुई को निकाल के फिर ये जो दूसरे नंबर का जो मोती है इसमें से सुई को वापस ऊपर की तरफ निकालना है। तब स्टार्टिंग करेंगे उस समय तीन मोती, बाद में हर बार हमें दो मोती ही लेने हैं। इस तरीके से हमें अपना चारों तरफ करना है और इस तरह के टसल बनाने हैं। अभी ये वाले टसल बनाना मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, अभी और बता देती हूँ एक बार। मोटा गत्ता लेना है और आप इस टसल की लंबाई जितनी रखना चाहते हैं उतनी लंबाई का ये गत्ता लेना है और इस पर करीबन हम 150 बार इसे लपेटेंगे। 150 बार लपेटना है इसे। ये मैंने 150 बार लपेट लिया है। इसमें अभी थ्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर हमें दो तीन नोट लगानी है। ये मोटा गत्ता निकाल देंगे, यहाँ पे ऊपर हमें दो तीन नोट लगानी है। डबल नोट लगा के जहाँ से फोल्ड है वहाँ से काट देंगे। काटने के बाद थोड़ा इस तरीके से हम कंघे से कर लेंगे ताकि ये पूरा स्ट्रेट हो जाए और जहाँ पे धागे बड़े लग रहे हैं वो काट दीजिए। इस तरीके से हमें एक लटकन में सात लगानी है तो हम इस तरीके से 14 अपने रेडी कर लेंगे। हमने अपना कुशन कंप्लीट कर लिया है और इसके नीचे की लटकन बनाने के लिए मैंने छोटे मोती, वाइट कलर के बड़े मोती, गोल्डन मोती और इस तरह की जो कैप आती है वो रिंग और इस तरह के लंबे मोती लिए हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप अपने हिसाब से आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं।
आप अपने हिसाब से मोती अलग तरीके से भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम अपना रेडी करेंगे और इसके कोने में लगा देंगे। यहाँ पे दो तीन नोट लगा के पक्का कर देंगे। इस तरीके से हमें करना है। अभी हम यहाँ पे बीच में दो और लगाएंगे और यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे, लेकिन सबकी हाइट बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। जिसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने रिंग लगाई है, यहाँ पे मैंने रिंग नहीं लगाई है दो में, और सेंटर में जाके मैंने यहाँ पे रिंग लगाई है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो सब में रिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सब में नहीं लगाई है। इस तरीके से मैंने एक तरफ चार और एक तरफ तीन ऐसे करके सात लगी है इसके अंदर इस तरह की लटकन। छोटी से बड़ी करती जाइए। सेंटर पे मैंने इस तरह का फ्लावर बनाया है। आप चाहते हैं तो और कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बूटी है या बड़ा स्टोन है, कुछ इस तरह के मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। तो इस तरीके से मैंने फूल बनाया है इसमें। अगर आपके पास ये वाला सामान नहीं है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से और कुछ डेकोरेट कर सकते हैं। हम इसे और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लटकन नीचे से काफ़ी लंबी है, तो ऊपर हम इसे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। टाइटली पकड़ के यहाँ पे पक्का कर देना है। फिर यहाँ पे दो तीन नोट लगा देनी है। यहाँ पे मैंने अच्छे से पक्का कर दिया है। हमारी लटकन बनके तैयार है।